तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आप ना अपनी लाइफ के अंदर एक बार तो गिरे होगे, फिर चाहे वो सिरके पे पैर रख के गिरो, ठेस खा के गिरो या फिर मोस लग के गिरो, अपने लाइफ में एक बार तो गिरे ही होगे। और यहाँ पे गिर के उठने वालों का नाम ही होता है मर्द। नहीं, हमारे अमिताभ जी का व्यू थोड़ा अलग है। उनके हिसाब से जिसको दर्द नहीं होता उसको मर्द कहते हैं, बट हमारा जो यहाँ पे कैरेक्टर है ना कुछ हद तक मर्द जैसा नहीं लगता, यूं कहो तो मर्द ही नहीं लगता। मतलब यार इसको देखो तो सही, छोटा सा प्राइमरी स्कूल में जाने वाला बच्चा लग रहा है और इसके मुंह के ऊपर मुंह के कोटे भी नहीं फूटे। इसका मुंह सेम टू सेम बिनरियल खेत के जैसा साफ लग रहा है, बट मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आशीष सलसाना की दादी आ सकती है। तो यार इसकी मुंह तो कोई बात नहीं, मतलब यार तुच्छ बात है, छोटी सी बात। तो गाइस मैं एक बात कहना तो भूल गया, आज हम खेल रहे फॉल गाइस एंड्रॉइड, यू को तो सस्ती काले बाजार की शोर बाजार की फॉल गाइस। पर इस वाली गेम के नाम के ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोरोना तीन अक्षर का नाम, इतना बड़ा रोग हो सकता है। तो इस वाली गेम भी इसके जैसे सेम टू सेम है। नहीं, ये गेम डिजीज नहीं है, बट ये गेम बहुत ही मुश्किल है। आपको पता है कि मैं कितना प्रो हूँ, मैंने सोचा कि ये वाली गेम को मैं एक ही झटके में कंप्लीट कर सकता हूँ, पर नहीं, जिंदगी में पहली बार गलत साबित हुआ। मतलब यार ये वाली गेम अलग ही लेवल की प्रो है, यू को तो हैक है। मुझे पता है ज्यादा हो गया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो ठीक है गाइस, हम इस वाली गेम के ऊपर फोकस करते हैं। बट यार जितना भी फोकस कर लूं इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है और मैं घंटा भी उखाड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये वाली गेम बहुत ही डिफिकल्ट है। मुझे पता है आप में से कई लोग सोचते होंगे और बोलते भी होंगे कि ये फ्री फायर के नूबड़े इतनी सी गेम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू। तो मैं आप सभी प्रो प्लेयर्स को कहना चाहता हूं, नहीं आपको प्रो प्लेयर्स कहना आपकी इंसल्ट होगी, तो आप सभी उस प्रो प्लेयर्स को कहना चाहता हूँ कि आप इस वाली गेम को एक बार ट्राई करो। और आपने पहली ट्राई में इस वाली गेम को कंप्लीट कर लिया तो मैं आपके शरण धोने के लिए आऊंगा, और आपने अगर नहीं कंप्लीट किया तो आपको मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यार देखते कौन कंप्लीट कर पाता है चैलेंज। तो गाइस यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है और मैं हो गया हूँ क्वालिफायर। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक मार दो। तो गाइस यहाँ पे दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया है और मुझे यहाँ पे मिला है फुटबॉल। मतलब यार मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा, मैं फॉल गाइस खेल रहा हूँ, तो मुझे फॉल गाइस खिलाओ। ओ, अब पता चला मैं इतना बड़ा प्रो प्लेयर हूँ कि इन सभी प्लेयर्स को मेरे साथ खेलना था, इसलिए गेम के साथ छेड़छाड़ करके इन्होंने मेरे टीम में ही जगह ले ली। बट कोई बात नहीं, फुटबॉल या फिर फॉल गाइस मैं सभी गेम के अंदर प्रो प्लेयर हूँ। और एक बात आपको पता ना हो तो बता दूं कि मैंने और रोनाल्डो ने एक ही सड्डी के अंदर नहाया है। मेरा मतलब हम दोनों एक ही सड्डी बारी बारी पहनते थे। मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको, मैं इस वाले गोल को गोल करके देखता हूँ। मेरा मतलब था बॉल को गोल करने का, बट यार शब्दों पे मत जाओ, भावना पे जाओ। गाइस फुटबॉल की मैच के अंदर मैं इतना प्रो के जैसा खेला कि उनको लगा कि मैं सेटिंग कर रहा हूँ, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हम उस वाली मैच को हार गए। मतलब मैंने तो बहुत सारे गोल किए बट हमारी टीम ने गोल नहीं किए। अब मुझे पता चला कि रजनीकांत जी हमेशा क्यों कहते थे मुन्ना झुंड में तो सुअर आते है, शेर अकेला ही आता है। यहाँ पे मुन्ना ने जरूर कोई मैच को अपनी साथीदारों की वजह से हारा है और इसी वाले अनुभव को रजनीकांत ने अपने साथ लिया है और अपनी जनता में बांटा है। तो हम भी इस वाले रजनीकांत के अनुभव को हमारे साथ लेके इस वाली मैच को जीतने वाला है। गाइस ये सारे ब्लॉक साबुन के जैसे नहीं लग रहे, बल्कि यार पानी की वजह से यहाँ पे कभी फिसल रहे कभी यहाँ पे फिसल रहे। और अगर गेम खेलते खेलते आप बोर हो गए तो ये भी इसमें भागने के अंदर भी दे दिया है जो कि जॉगिंग के मदद में आ सकता है। मतलब यार जॉगिंग, वर्कआउट और गेम तीनों के तीनों एक साथ आप कर सकते हो। ये वाली गेम 3-in-1 हो गई है। तो गाइस हमें इस वाली गेम को जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तीन लोग पहले से ही क्वालिफाइड हो चुके हैं। मतलब यार सारे के सारे हैकर है क्योंकि मैं इतना बड़ा प्रो हूँ कि मेरे पहले कोई भी क्वालिफाइड नहीं हो सकता। रुको एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ इस वाली ट्रेनिंग को मैंने स्पेशल तकेशी कासल जो कि पोगो के ऊपर शो आता था उसके पास जाके ली है। बेटे सेकंड, आपको नहीं पता तकेशी कासल क्या है यार, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पोगो के ऊपर छोटा भीम दिखाना बंद करो और तकेशी कासल फिर से स्टार्ट करो। वाओ गाइस यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक काम है, आप सबसे पहले स्विश की दुकान पे जाओ, वहाँ पे जाके पेड़े लो और मोहल्ले में बांट दो क्योंकि मैं यहाँ पे क्वालिफाइड हो चुका हूँ। अबे ये क्या हो रहा है, बाबा रामदेव जी योगा करवाने के लिए आ रहे हैं क्या? मैं तो ऑटो क्रब लेने के लिए पेपर भी नहीं लाया, पर यहाँ पे डिस्को क्यों कर रहे हो? ओ नया योगा होगा, कोई बात नहीं, पर मुझे बाबा रामदेव जी का ऑटोग्राफ तो चाहिए ही। तो गाइस यहाँ पे दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया है और इस वाले राउंड के ऊपर मुझे पूरा फोकस करना पड़ेगा। आई थिंक बल्बों को फॉक्स कहते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या बोलना था, रुको मुझे ये वाला शब्द तो नहीं आता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमें इस वाले पंखे को जो कि घूमता नहीं है उसको हमें 90 डिग्री में घुमाना है और इस वाली हिलती डुलती वॉल को कम्प्लीट करना है, मतलब की पार करना है। और अब हमें इस वाले केक के पीस जैसे लगने वाले जंपिंग जंपा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। आगे हमें दिखने वाले हिलते हुए हथौड़े जो कि यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, पर कोई बात नहीं, इस वाले हथौड़े से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपको पता है मैं एक पीरो प्लेयर हूँ। अरे यहाँ पे तो मदारी के ढोल को ही लगा दिया, मलकेर हम टकराएंगे और ढोल बजेगा। ओके यहाँ पे जंपिंग जंपिंग रियल वाला, वाओ पहली ट्राई में मैं चढ़ चुका हूँ। अरे इस वाले राउंड को कंप्लीट करना तो मेरे धोने वाला हाथ का, मेरा मतलब दाहिने हाथ का काम है। बहुत ही इजी था ये वाला राउंड तो। 2 hours later
ओके गाइस, तो हम यहाँ पे फाइनली फाइनल राउंड के अंदर आ चुके हैं और मुझे यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर सड़ा दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग सा होने वाला है। लेकिन 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 मिस वाले रावण को, क्या यार मैं क्या बोल रहा हूँ, रावण नहीं, रावण को जीत के मैं अपनी योग्यता दिखाऊंगा और आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा प्रो प्लेयर हूँ। तो गाइस, इस वाले राउंड के अंदर कुछ ऐसा है कि हमें एक बड़े से सत्य के ऊपर बैठा देंगे जो कि अपने लाइफ के अंदर कभी भी सच नहीं हो सकता। तो यार हमें इस वाले राउंड के अंदर कुछ नहीं करना, हमें अपनी तशरीफ को इस वाले सत्य के ऊपर टिकाए रखना है, फिर से वो गिली हो जाए या फिर चिकनी हो जाए, हमें इस वाले सत्य के ऊपर से गिनना नहीं है। अगर आप गिर गए तो हार जाओगे और जो लास्ट तक बचा वही इस वाले गेम का क्वालिफायर होगा और फर्स्ट प्लेस पे आएगा। तो गाइस देखते हैं इस वाले राउंड को कौन जीतता है। बट यार मुझे तो नहीं लगता, मेरे नीचे दो बंदे दौड़ रहे और बाकी के तो ऊपर ही दौड़ते होंगे। इधर पदा में उधर पदा, जाने कहां में अग गया, क्वालिफायर हो गया। अबे यार क्या हो गया, मतलब क्या, नाचो नाचो, मैं अपने गेम के अंदर क्वालिफायर हो चुका हूँ और फर्स्ट प्लेस के ऊपर आ चुका हूँ। लिटरली गाइस मुझे तो नहीं पता था कि मैं इस वाले राउंड को जीत जाऊंगा और फर्स्ट प्लेस में आ जाऊंगा। मतलब यार मोदी जी कहाँ पे हो आप, मेरा अवार्ड कब लाओगे। तो यार रियली मुझे इस वाली गेम के अंदर बहुत ही मजा आया और अगर आपको भी मजा आया तो वीडियो को लाइक मारो। तो गाइस इसी बात पे आज के लिए बस इतना ही, आई होप वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू लेटर।